हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सीपी प्लस का जो कैमरा होता है, सीसीटीवी, तो उसका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो कैसे हम लोग कन्फिगर करते हैं फॉर लाइव व्यू एंड प्लेबैक ऑफ द सीसीटीवी कैमरास। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है GCMOB। GCMOB देखिए आ चुका है, यहाँ बगल में इंस्टॉल बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए तो ये डाउनलोड होगा। देखिए 30% डाउनलोड हो गया, फिर ये डाउनलोड हो चुका है, अभी इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने देते हैं। देखिए इंस्टॉल हो गया। अब हम इसके बगल में ओपन बटन है, इसको आपको क्लिक करना है। ओपन क्लिक कर दिए। अब है स्टार्ट GCMOB, इसको नेक्स्ट क्लिक करिए, अलाउ करिए। यहाँ पर कैमरा है, कैमरा सेलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट दबाना है। यहाँ पे आपको एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन, सब्सक्राइब दबा दीजिए। उसके बाद आपको बैक आइए, ओके कर दीजिए इसको। अब ये तीन जो लाइन खींचा हुआ है ना, इसको प्रेस करिए, डिवाइस मैनेजर में आइए। डिवाइस मैनेजर में आपको फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस वाला है ना, कैमरा प्लस, इसको क्लिक करिए, ओके दबाइए। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है वायर्ड डिवाइस, वायर्ड डिवाइस सेलेक्ट करके नेक्स्ट दबाइए। इसके बाद आपको यहाँ से दो ऑप्शन है, इंस्टॉल और आईपी डोमेन। तो लोकल आईपी जब देते हैं उसके थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आईपी डोमेन में जाते हैं, और क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं तो इंस्टॉल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नाम लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ सोनपुर NVR, नाम हो गया। अब यहाँ पे सीरियल नंबर पूछ रहा है, तो सीरियल नंबर के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप बारकोड स्कैनर ऑन करके उसको अलाउ करके इस तरह से कैमरा के थ्रू जो सीसीटीवी मॉनिटर लगा हुआ है घर पर उसमें इंस्टा ऑन सेक्शन में जाइएगा तो एक बारकोड शो करता है, उसको आप स्कैन कर सकते हैं इसके थ्रू। और यदि आप वहाँ सामने में है तब तो ऐसे हो जाएगा, सपोज आप सामने नहीं हैं कहीं और रह रहे हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसके जो सीरियल नंबर है उसको आप नोट करके रख सकते हैं। वो डब्बे पर भी लिखा रहता है, सीसीटीवी मॉनिटर पर भी रहता है ना, काफ़ी जगह मिल जाएगा। मैं अपना सीरियल नंबर नोट करके रखता हूँ, और देखिए मैं उसे यहाँ पे मैन्युअली इंटर कर देता हूँ। मोबाइल में है तो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, नहीं है कहीं और डायरी वायरी में लिखे हुए हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको टाइप करना है। देखिए मैं इसे टाइप कर ले रहा हूँ ना, क्योंकि हमेशा आप मॉनिटर के सामने मौजूद नहीं रह सकते ना। देखिए मैंने इस तरह का होता है सीरियल नंबर, ये मैंने टाइप कर लिया। अब आपको यहाँ पे यूज़र नेम में एडमिन रहने देना है, पासवर्ड में आपको जो पासवर्ड है वो इंटर कर देना है। अब देखिए लाइव प्रीव्यू में दो ऑप्शन होंगे, एक्स्ट्रा और मेंस। मेंस हो गई HD प्रीव्यू, एक्स्ट्रा हो गया स्टैंडर्ड डेफिनेशन, मतलब इसमें रिजोल्यूशन उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो पहले तो आप एक्स्ट्रा ही सेलेक्ट करें ताकि किसी भी टाइप का नेटवर्क रहे, मोबाइल नेटवर्क या वाईफाई, कितना भी कम स्पीड वाला नेटवर्क रहेगा तब भी आपको व्यू हो जाएगा कहीं से भी। अब प्लेबैक में भी एक्स्ट्रा ही रखिए, ठीक है। स्टार्ट प्रीव्यू है यहाँ पर, इसको आप ऑन कर दीजिए। तो ये कनेक्टिंग लिख रहा है, देखिए ये स्टार्ट हो चुका है प्रीव्यू, ठीक है। अब आपको ये कैमरा इंस्टॉल हो गया, दो कैमरे लगे हैं दोनों इंस्टॉल हो गया है। ये देखिए नाम है सोनपुर NVR इस तरह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसे ऑन करना है,
पहले एग्जिट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। जिसी मॉब ऐप आपने खोला, यहाँ पे देखिए ये कैमरे का एक आइकन है, इसको क्लिक करना है। इसमें सोनपुर एनवीआर सेलेक्ट किए और स्टार्ट लाइव प्रीव्यू दबा देना है, इससे आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखना चाहते हैं प्लेबैक, तो प्लेबैक देखने के लिए प्लेबैक में जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस या फिर आप इसको क्लिक कर लीजिए, सोनपुर एनवीआर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए सोनपुर एनवीआर है, इसमें दो है, बालकनी या ड्राइंग हॉल। सपोज मैं बालकनी का सेलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे टाइम और देखिए डेट और टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस दिन का है ना। सपोज आज का चले लिया, और सपोज मैं देखना चाहता हूँ सुबह 10 बजे का, सुबह 10 बजे यहाँ सेलेक्ट कर लिया, ओके दबा दिया। अब 10 बजे से सपोज मुझे आज आज ही के डेट के 11 बजे तक का चाहिए, यहाँ पे हमने 11 सेलेक्ट कर लिया, अब ओके दबा देंगे। टाइम एंड हमारा ड्यूरेशन सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ गए, बालकनी का देखना है, बालकनी सेलेक्ट कर दिए, स्टार्ट प्लेबैक, देखिए स्टार्ट हो रहा है, प्लेबैक स्टार्ट हो गया। इसमें अब ध्यान से देखिए, देखिए 7 मई 2020 सुबह 10 बजे का स्टार्ट हो गया है, 11 बजे तक का क्लिप यहाँ पर है। इसको आप धीरे धीरे इस तरह से बढ़ा के इस ड्यूरेशन के बीच में किसी भी समय का, देखिए मैंने 10:42 आ गया रिफ्रेश होके, तो आप किसी भी समय का मतलब पहले के समय पास्ट का आप देख सकते हैं प्लेबैक करके। इसमें और भी फंक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इसमें आ जाते हैं और लाइव प्रीव्यू में आ जाते हैं। सपोज हम लाइव देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और हमें इसको देख रहे हैं। अभी हमारा मन कर रहा है कि हम स्नैपशॉट लें इसका, एक स्क्रीन का, कुछ नहीं है, यहाँ पर एक कैमरा का बटन है, इसको आप इससे कर दीजिए, ये स्नैपशॉट सेव हो गया। और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि अभी मैं वीडियो लेना चाहता हूँ इसका, छोटा सा क्लिप, वीडियो क्लिप, तो वो भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ वीडियो का आइकन बना हुआ है, इसको आप टच करिए, ये वीडियो लेना स्टार्ट हो गया है। देखिए यहाँ रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है, ठीक है, 8, 9, 10 सेकेंड रिकॉर्डिंग हो गई। अब आप जितना देर का क्लिप लेना है तब तक इसे रिकॉर्ड होता रहेगा। अब आप चाहते हैं कि हो गया, अब स्टॉप कर देना है रिकॉर्डिंग, तो फिर से इसको क्लिक कर दीजिए। देखिए रिकॉर्डिंग हैज बिन सेव्ड। अब ये कहाँ मिलेगा हमें, इसे 3 बार को टच करिए, लोकल फाइल्स में जाइए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका किया हुआ है, ये हो गया, ये वीडियो जो हमने लिया था अभी, वही देखिए क्लिप है, प्रोग्रेस बार यहाँ पर है, प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। अब जो फोटो लिया था वो यहाँ पर है, देखिए बगल में, ये वीडियो हो गया, ये फोटो है, इसको ऐसे करके हम देख सकते हैं। ये देखिए फोटो, ये है फोटो स्नैपशॉट, ठीक है, ये हो गया। और अब लाइव प्रीव में आ जाते हैं। बाकी आप सपोज एक और मैसेज दिखा देता हूँ, हाई डेफिनेशन, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा डेफिनेशन ऑन किया था। अब इस सोनपुर सेलेक्ट किया, स्टार्ट प्रीव्यू किया, दोनों कैमरा ऑन हो गए। अब ये देखिए ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आ रहा है। अब इसको हम हाई डेफिनेशन करना है, तो यहाँ एक मॉनिटर का साइन है, इसको टच करना है, और देखिए इसमें ये जो बगल वाला है ना, इसको टच करिए आप। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्वालिटी हाई डेफिनेशन हो गई।
ना, अच्छी चीज़ है। अब अपने घर में, शॉप में इसको लगा सकते हैं और ग्लोबली कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। मैं भी अभी रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ, मैं इसके सामने नहीं हूँ। अच्छी चीज़ है। चलिए, यदि ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, क्यू हैव ए नाइस डे, बाय बाय।